दोस्तों, जैसा कि इस कोर्स के माध्यम से हमने सीखनी है वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, तो हमारे लिए ये ज़रूरी है जानना कि हम वर्डप्रेस के अंदर किस टाइप्स के वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर हम कौन कौन से टाइप्स के वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले कि हम बात करें कि वर्डप्रेस के अंदर हम कौन कौन से टाइप्स के वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, हमें ये जानना ज़रूरी है कि वेबसाइट्स कितने तरीके की होती है। तो वेबसाइट्स दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक वेबसाइट और एक डायनेमिक वेबसाइट्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स के बारे में कि स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होता है। स्टैटिक वेबसाइट्स इस टाइप के वेबसाइट्स में सभी यूज़र को एक ही तरीके का कंटेंट दिखता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी जगह से वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हो, कोई सा भी डिवाइस यूज़ कर रहा हो, सभी को सेम तरीके की कंटेंट दिखती है। जैसे कि ब्लॉग, बिजनेस वेबसाइट, एसएएस वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स वगैरह, इन सभी वेबसाइट्स के ऊपर सेम तरीके की कंटेंट अवेलेबल होती है, जिसे कोई भी यूज़र अगर कहीं से भी उसे एक्सेस कर रहा है तो उसको सेम कंटेंट दिखेगा। इसे हम स्टैटिक वेबसाइट्स कहते हैं। डायनेमिक वेबसाइट में सभी यूज़र के लिए अलग अलग तरह के कंटेंट दिखाए जाते हैं, यूज़र के रुचि के अनुसार, जगह के अनुसार, यहाँ तक कि उसके डिवाइस के अनुसार कंटेंट दिखाए जाते हैं। इसमें सभी यूज़र के हिसाब से कंटेंट चेंज हो जाता है, जैसे कि मैप, सोशल मीडिया, वीडियो प्लेटफॉर्म वगैरह, इन सभी पे क्या होता है, इन सभी वेबसाइट्स पे आपको डायनेमिक कंटेंट दिखता है। आप जब उसको ब्राउज करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो आपको कुछ और ही कंटेंट दिखेगा। साथ ही आपके बगल वाला, आपका दोस्त अगर उसको ब्राउज करता है तो उसको कुछ और कंटेंट दिखेगा। वो यूज़र के अकॉर्डिंग उस पर कंटेंट होता है, जगह के अकॉर्डिंग, यहाँ तक कि डिवाइस के अकॉर्डिंग भी उस पर आपको कंटेंट दिखाए जाते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आपको किसी और तरीके का कंटेंट दिखाया जाएगा, अगर वहीं आप iOS यूज़ कर रहे हैं तो आपको किसी और तरीके का कंटेंट दिखाया जाएगा। तो आप वर्डप्रेस के अंदर इन दोनों टाइप्स के वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि वर्डप्रेस के अंदर आप कौन कौन सी कैटेगरीज के वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस के अंदर आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट, OTT प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन फॉरम, पोर्टफोलियो वेबसाइट, न्यूज़ मैगजीन वेबसाइट्स, विकी नॉलेज वेबसाइट्स, एफिलिएट वेबसाइट्स, इसके अलावा भी आप और भी बहुत सारे तरीके की वेबसाइट को, कैटेगरीज की वेबसाइट को वर्डप्रेस के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, बिना किसी कोडिंग के, बशर्ते कि उसका प्लगइन, उसका थीम वर्डप्रेस लाइब्रेरी के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए, या आप ऑफ द मार्केट अगर कोई प्रीमियम थीम खरीदते हैं, प्रीमियम प्लगइन खरीदते हैं, तो उसके यूज़ करके भी आप वर्डप्रेस CMS के ऊपर उस टाइप के वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ बिजनेस वेबसाइट की ही बात करें, तो बिजनेस वेबसाइट में आप बिजनेस ब्रांड की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन स्टोर आप डिज़ाइन कर सकते हैं WooCommerce प्लगइन का यूज़ करके। सोशल मीडिया वेबसाइट भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, फेसबुक जैसी वेबसाइट आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रीमियम टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, प्रीमियम प्लगइन्स मिल जाएगी, उनका यूज़ कर सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म वेबसाइट्स जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो, Netflix, MX प्लेयर, उस टाइप की भी वेबसाइट को आप वर्डप्रेस के अंडर डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रीमियम प्लगइन्स मिल जाएंगे, जिनका यूज़ करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कम्युनिटी की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉरम जैसे कि आप कोरा वगैरह देखते हैं, तो उस टाइप की भी वेबसाइट को आप वर्डप्रेस के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ ही पोर्टफोलियो वेबसाइट, अगर किसी पर्सनालिटी की वेबसाइट डिज़ाइन करनी हो तो भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। न्यूज़ मैगजीन वेबसाइट के लिए तो सबसे ज़्यादा जाना जाता है वर्डप्रेस CMS को, क्योंकि वर्डप्रेस के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा न्यूज़ मैगजीन और ब्लॉग की वेबसाइट्स दिखेंगी, जिनको फ्री ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए क्रिएट किया गया है। साथ ही आप विकी नॉलेज जैसे कि विकीपीडिया आप देखते हैं, उस टाइप की भी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अमेज़ॉन एफिलिएट जैसी वेबसाइट को भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप अमेज़ॉन एफिलिएट या eBay एफिलिएट के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। इस टाइप के सभी वेबसाइट को आप वर्डप्रेस के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आप कौन कौन से तरीके की वेबसाइट को, कौन कौन सी कैटेगरीज के वेबसाइट को वर्डप्रेस के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये भी आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपको अपनी क्लाइंट्स के लिए कौन कौन से टाइप्स की वेबसाइट डिज़ाइन करने को मिल सकती हैं वर्डप्रेस के अंदर। अगर आपके मन में इस टॉपिक को लेकर कोई सवाल है, कोई डाउट्स है, तो आप सपोर्ट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे।